सलाम लाहौर प्रोग्राम 180 डिग्री के साथ मैं हूं अहमद परवेज। हमारे आज के मेहमान हैं सेक्रेटरी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मियां वहीदुद्दीन साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। ये पंजाब प्रोविंस का कितना एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर? ये पंजाब प्रोविंस में जो है 3.1% इसका जो रकबा है वो अंडर फॉरेस्ट कवर है। टोटल 5 करोड़ एकड़ पंजाब में है एरिया और इसमें परसेंटेज से ज्यादा हम रिलेट कर सकते हैं। फिगर्स में तो शायद बहुत ज्यादा लगते हैं। फिगर में 16 लाख एकड़ बट फिगर्स में तो बट 3.1 कितने फीसद आपने एक फीसद। सो पंजाब जितना बड़ा सूबा जितनी इसकी आबादी है आइडियल इसके लिए कितना होना चाहिए? आइडियल जो फिगर दुनिया में लिया जाता है वो तो 25% है। लेकिन 25% जी हम उससे मतलब आधे से भी आधे हैं जी। वो लेकिन आइडियल एक फिगर है तो आइडियल के लिए तो अचीव करना चाहिए ना कि नहीं करना चाहिए? स्ट्राइव जरूर करना चाहिए और कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। आप तो बड़ा दूर है उससे, कब कोई पहुंचने की ख्वाहिश या इरादा है? हाँ उसमें एक्चुअली हो ये रहा है कि एक तो रकबा वो है कि जो जंगलात के लिए मुख्तस किया गया है 16 लाख एकड़ पंजाब में। इसके अलावा जो प्राइवेट ज़मीनों पर जो शजरकारी हो रही है वो उसके अलावा है। मैं आप इसमें काउंट नहीं करते उसको? उसमें उसको काउंट नहीं करते लेकिन जो मैं अगर इंटरेस्टेड है कोई आपने बनाया है कि जीआईएस मैपिंग या मैपिंग शैपिंग इसकी की है चीज़ों की? जी बिल्कुल, हमारी जीआईएस लेबोरेटरी है और उसने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इस पर मौजूद है। इंटरेस्टिंग फिगर मैं आपको देना चाहूँगा, जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त पर एकड़ 3 दरख्त पाए जाते थे पंजाब के इलाकों में। 2001 में ये तादाद बढ़कर 17 दरख्त फी एकड़ हो गई और इस आगे 2021 तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये टारगेट है कि ये तादाद बढ़कर 28 दरख्तों पर चली जाए। उस वक्त आबादी कितनी थी जब पाकिस्तान बना जी और 2001 में आबादी कितनी? डेफिनेटली उसका बहुत फ़र्क है। आबादी उस वक्त तो बहुत कम थी और अभी कई गुना बढ़ गई है। लेकिन अगर हिसाब से प्रोग्रेस हमने नहीं की जिस हिसाब से हमारी आबादी बढ़ी है जी, आबादी बहुत बढ़ रही है और इस जो ये दरख्त मुख्तलिफ ज़मीनों पर लगे हुए हैं अगर इनको काउंट करके तो हम ये समझें कि ये एक जख़ीरा है तो ये 10 लाख एकड़ के बराबर बन जाता है। इसमें इंक्रोचमेंट भी हुई हुई है आपके लैंड्स पर? बहुत कम है, इंक्रोचमेंट के कुछ केसेस हैं लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है और उनको कॉन्स्टेंटली हम फाइट आउट करते रहते हैं। बहुत सारे केसेस डिपार्टमेंट के ऑफिशल्स की मर्जी के बगैर कोई इंक्रोच कर सकता है फॉरेस्ट लैंड को? डेफिनेटली काली भेड़े हर जगह होती हैं, हमारे डिपार्टमेंट भी हैं होंगी और लेकिन होंगी नहीं ना, आपने निकालना है उनको, आप निकालने के लिए क्या कर रहे हैं जी? कंटिन्यूसली उनकी एक तथीर होती रहती है और उसके अलावा अब जीआईएस मैपिंग और इन चीज़ों को जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है इनको हम जो है एम्प्लॉय कर रहे हैं। लाइक अभी ड्रोन एक हमने मंगाया है स्विट्ज़रलैंड से, मोस्ट मॉडर्न, और उसकी मदद से फिर जीआईएस मैपिंग की मदद नहीं, वो ड्रोन आपने पूरे सूबे के ऊपर उड़ाना है कि वो आपने जी? उससे हम सर्वेस करते हैं, उससे हम फोटोग्राफी करते हैं, उससे डिफरेंट इलाकों की सर्वेलेंस करते हैं। सो वो एक तजर्बे के तौर पर एक ड्रोन आया, उसके बाद अभी आगे हमारा प्रोग्राम है कि हम और भी देखें। मियां साहब पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक अर्बनाइजेशन की अपनी डिमांड्स होती हैं तो ये बैलेंस किधर स्ट्राइक किया जा सकता है कि ये फॉरेस्ट कवर भी इफेक्ट ना हो, एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना हो और अर्बनाइजेशन की डिमांड्स भी पूरी की जाएँ? एक्चुअली अर्बनाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है कि हमारी आबादी जो है, पहले आपने सुना होगा कि 70% आबादी गाँव में रहती थी, अब वो तनासब बिल्कुल तब्दील हो गया है और हर कोई कोशिश ये करता है कि वो बड़े शहरों की तरफ जाए, ख़ास तौर पर लाहौर की तरफ आने का बहुत प्रेशर है। सो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम मुरतब किया है और वो है अर्बन ट्री कवर को बढ़ाने का, क्योंकि हम ये समझते हैं। बट वो कहाँ पे बढ़ाएंगे आप जी? शहरों में भी जगह तो रह नहीं गई जी? नहीं, शहरों में जो बड़ी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर आइडेंटिफाई करके और लोगों की मदद के साथ हम वहाँ पर शजरकारी कर सकते हैं। अर्बन ट्री कवर बढ़ाने से फ़ायदा ये होगा कि बिल्कुल वेसिनिटी में आपको ऑक्सीजन मुहैया हो जाएगी और इसी तरह जो आपको ये तो वैसे पता होगा ना कि लाहौर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज नाउ इन द वर्ल्ड। जी जी, काफ़ी इसका नंबर जो है। फेलियर कहाँ पे है ये मियां साहब? ये बेसिकली खराबी जो ज़्यादा पैदा हुई है ये एक तो रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से है, दूसरे जो बट ये डिपार्टमेंट्स पर सो क्यों नहीं थी उसके ऊपर कि ये क्यों नहीं डिपार्टमेंट्स हरकत में आई जब ये चीज़ नज़र आ रही थी होती? अब एक्चुअली काम तो इस पर होता रहता है लेकिन जिस तेज़ी से आबादी शहरों को मुंतकिल हो रही है वो बहुत फास्ट पेस है। दूसरा कुछ ये हुआ कि पिछले सालों में जब गाड़ियों की किस्तों पर देने का रिवाज शुरू हुआ तो वो लातादाद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो हैं वो सड़कों पर आ गई और उनका धुआं जो है उसने एडअप करना शुरू कर दिया। इसी वजह से स्मॉग
जो इंसिडेंस है ये लाहौर में बहुत बड़ा। तो आप अपना वैसे फेलियर महसूस नहीं करते डिपार्टमेंट का इस चीज़ के अंदर कि जब आप देखते हैं पॉपुलेशन, पोल्यूशन, स्मॉग, व्हीकुलर एमिशंस, इन चीज़ों का? एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली जंगलात तक उसका काम है, जंगलात लगाने का। अर्बन फॉरेस्ट कवर आपका क्या? मैं वही अर्ज करता हूँ, जंगलात लगाने का काम है, और इसी तरह जो अनहार का सिस्टम है, इसी तरह सड़कों का सिस्टम है, उनके साथ साथ प्लांटेशंस का है। बट वो भी आप करते हैं कि पीएचए वाले करते हैं? नहीं, शहरों के अंदर जो है लैंडस्केपिंग और खूबसूरती का काम वो पीएचए करता है, और लेकिन जो सड़कों के किनारों पे शजरकारी करना, नहरों पे करना, इवन रेलवे लाइन के साथ साथ, वो हमारा डिपार्टमेंट करता है। अब हमने ये महसूस किया है कि हमें शहरों में भी आना चाहिए, और शहरों में भी, क्योंकि जो पीएचए काम करता है वो ज़्यादा एस्थेटिक्स की तरफ है। हम ये चाहते हैं कि ऑक्सीजन मुहैया हो और ऐसा सब्ज़ार सायादार दरख्त लगाए जाएं जो मिटिगेट कर सके एनवायरमेंटल पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स को। तो इसीलिए अब ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शुरू किया है, चीफ मिनिस्टर की विजन है कि आप इस तरह से करके लोगों को इमीडिएट रिलीफ का कोई प्रोग्राम। सर, लेकिन आप नहीं समझते फिर कि डिपार्टमेंट कहीं लाही फेलियर हुआ है डिपार्टमेंट का, जो हालात बन गए हैं शहर के? एक्चुअली शहरों में हमारा जो है रोल पहले नहीं था, अब हम अपना रोल जो है इसमें हम महसूस कर रहे हैं कि हमें इमीडिएटली आना चाहिए, और इसी को महसूस करते हुए हमने फौरी इकदाम किए हैं, और हम अर्बन फॉरेस्ट्री पर अब जोर दे रहे हैं, और उसमें लाइक अभी जो मुहिम आजकल मौसम बहार की चल रही है, इसमें 200,000 पौधे लाहौर में लगाए जाएंगे। तो ऐसी मुहिम्स जो आपकी होती हैं डिपार्टमेंट की, वो हर साल चलती हैं, शायद साल में 2 दफ़ा चलती हों, एंड रिजल्ट कोई नहीं निकलता? नहीं, मेरे ख्याल में कि ये कहना शायद नहीं, बट चले आप अगर आप ये बताएं कि अगर क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट कोई बेहतर हुई है इस सूबे में, इस शहर में, कि डिटेरियोरेट की है? एक्चुअली इतने मास स्केल पे शहरों में पहले लगाने का प्रोग्राम था नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट का रोल मैं जैसे कह चुका हूँ कि वो जंगलात, प्रोविंस की एनवायरनमेंट इंडेक्स हमारा बेहतर हो रहा है कि खराब हो रहा है? प्रोविंस का डेफिनेटली जो है दूर दराज इलाकों में तो आप अगर देखें तो मैंने जैसे आपको बताया है, अगर एक इसी को ले लिया जाए, इस इंडेक्स को ही ले लिया जाए कि दरख्तों की तादाद पहले कितनी थी और अब कितनी है, उसको आबादी के साथ भी तो लिंक करके बताया ना सर। खाली अगर नंबर्स में हमने चलना है कि पहले 3 दरख्त थे, अब 2,800 हो गए या 2,850 हो जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आबादी को फिर भी जी फायदा नहीं पहुंच रहा, इसी को मद्देनजर रखते हुए एक्चुअली रूरल अर्बन माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको फाइट आउट करने के लिए जरूरत है कि उस फास्ट पेस के ऊपर शायद फिर आप नहीं रिएक्ट कर रहे जिस पेस के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। अब हमारा मेरा ख्याल में कि हमने अब इस पे बड़ी तेजी से रिएक्ट करना शुरू किया है, और ना सिर्फ लाहौर में बल्कि तमाम पंजाब के जो अर्बन सेंटर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट ADP में, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, हमने प्रोजेक्ट डाला है, और उसमें हम तमाम शहरों में शजरकारी करेंगे और उसमें दरख्त लगाएंगे ताकि वो ऑक्सीजन मुहैया कर सकें। जो आप लगाते हैं, जो दरख्त आप कह रहे हैं 200,000 दरख्त लगाने जा रहे हैं, इनका कोई ऑडिट भी होता है कि एक्चुअली दरख्त किसने लगाए हैं, लगे भी हैं कि नहीं लगे, किधर लगे हैं? जी बिल्कुल, इनका जो है इसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है, फिर इसकी देखभाल की जाती है, इसके अलावा इसको फिर काउंट किया कि जी हमने सीड्स इतनी दी हैं, कि आप खुद लगाते हैं कि सीड्स दे देते हैं प्राइवेट सेक्टर में कि आप लगा दें, कि आप दरख्त ला के लगाते हैं? नहीं, हम सीड नहीं लगाते, हम सीड से नर्सरीज में रेज करते हैं सैपलिंग्स, और अब तो हमने ये किया है कि लाइक इस शजरकारी मुहिम में हम 3-3 साल के पौधे जो है वो मुहैया कर रहे हैं, 30,000 ऐसा पौधा मुहैया किया जा रहा है और लगाया जा रहा है लाहौर में, जो कि 6 फुट 5 फुट 4 फुट इस साइज़ का है। और एक और चीज़ को इसको ऑडिट करेगा कौन? आप लोग खुद इंश्योर करेंगे कि ये लग भी गए हैं कि कोई थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाते हैं इसका जो ऑडिट होता है बेसिकली वो तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो दरख्त गिनते हैं जाके, कि वो आपके ये गिनते हैं कि आपने कितने दरख्त खरीदे थे, उसका एक्चुअली ऑडिट होता है पूरा, और ये एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसके तहत ये होता रहता है। थर्ड पार्टी वैलिडेशंस भी अब हमने शुरू की हुई हैं और वो भी होती रहती है। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं, बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए, एंड स्टे ट्यून्ड टू City42।
ये कोई खेलने की जगह है? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल, आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा, अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें, सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती, शर पसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत, हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसा, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत, हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस, केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी, हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत, हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती, शर पसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत, हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसा, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत, हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस, केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी, हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत, हमारा हक। पीके वालों ने 1 अरब दरख्त लगा दिया, आप 2 लाख के ऊपर हैं। मैं खैर किसी और की कारकर्दगी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, मैं अपनी बात करना चाहूँगा। और उसमें हम ये है कि हम कोई ये दावा नहीं कर रहे कि दिन रातों रात हम कोई काया पलट देंगे। ये एक स्लो, ये तो हमारे सर्वाइवल की बात नहीं है सर, अगली जनरेशन्स की। ये तो अगर दरख्त लगाना, ये चीज़ें करना, बिल्कुल। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम एक डुएबल टारगेट, असल में ये 2 लाख जो है पूरे सूबे में आप लगाने जा रहे हैं, ये सिर्फ लाहौर के लिए। अच्छा, है पूरे सूबे में इस मुहिम के दौरान 12 मिलियन दरख्त लग रहे हैं। अच्छा, 1 करोड़ 20 लाख आप लगा रहे हैं, 20 लाख इस मौसम बहार की शजरकारी जो रिक्वायरमेंट है, जितने लगने चाहिए उस हिसाब से आपके ख्याल में ये काफी हैं? जी, मेरे ख्याल में कि ये जो है इस वक्त, ये अगर इनको हम परवान चढ़ा लें तो ये एक बहुत अच्छा फिगर है। इसी तरह फिर मौसम बरसात की शजरकारी आएगी तो उसमें भी 9 मिलियन का। जो फिगर्स आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ये एक्चुअली दरख्त लगेंगे जाके? जी, ये एक्चुअली लगेंगे। और आप ये देखिएगा, क्योंकि हम अब शहरों में तो ये कर रहे हैं कि हम सिविल सोसाइटी के साथ मिलके, फौज, उसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ख़ास तौर पे स्कूलों के साथ, बच्चों के साथ मिलकर हम ये शजरकारी मुहिम कर रहे हैं और उनको ये तरगीब भी दे रहे हैं, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को, कि जी वो इसको ओन करें, उन ट्रीज़ को, उन प्लांट्स को ओन करें और उसकी हिफाजत भी करें। आप लीज आउट भी करने जा रहे हैं फॉरेस्ट लैंड को? जी, साउथ पंजाब में कुछ लैंड जो है वो हम लीज आउट करने जा रहे हैं। ये बेसिकली वो लैंड्स हैं कि जहाँ पर शजरकारी हमारे लिए करना
पॉसिबल नहीं था। डिपार्टमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर किसी प्राइवेट आदमी के लिए कैसे होगा? जी वो मैं आपको अर्ज करता हूँ। उसको वो प्रोग्राम इस तरह का है कि वहाँ पर वो स्पीशीज लगाएंगे कि जिनमें जिनकी कोई कमर्शियल वैल्यू होगी, और वो जो कमर्शियल वैल्यू की स्पीशीज़ हैं वो उसमें गवर्नमेंट का भी शेयर होगा, अबाउट 15-25% शेयर गवर्नमेंट का होगा। सो प्राइवेट सेक्टर आके उसको आबाद करेगा, उस पर दरख्त लगाएगा, इस तरह की स्पीशीज लगाएगा जिससे आप ये काम नहीं कर सकते थे, कोई आपकी कैपेसिटी नहीं थी करने की, कि रिसोर्सेज नहीं थी आपके पास कि आप खुद करते? ऐसी बात नहीं, बात यह है कि ये महकमा जो है वो एक प्रोग्राम के तहत चलता है और उसमें हर साल फंड्स मुख्तस हैं जिसके कि कुछ एरिया को हर साल आपने कर दिए, अभी लीज आउट के अभी करने जा रहे हैं? जी अभी वो प्रोसेस चल रहा है, अभी लीज आउट नहीं हुआ, लेकिन उसमें ये साउथ पंजाब में है, ये साउथ पंजाब फॉरेस्ट कंपनी के नाम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कंपनी है और वो इस प्रोसेस को देख रही है। एक वायबल प्रॉफिटेबल काम है वैसे फॉरेस्ट्री? फॉरेस्ट्री डेफिनेटली वायबल काम है। प्राइवेट सेक्टर फिर आगे क्यों नहीं आ रहा इसमें? इसमें जो रिस्पॉन्स आया है साउथ पंजाब फॉरेस्ट कंपनी को वो बड़ा ही अच्छा रिस्पांस है और उसमें बहुत लोगों ने इंटरेस्ट लेके तो उसमें बिड्स दी हैं। अब वो साउथ पंजाब, व्हाई फिर साउथ पंजाब खाली क्यों? ये एक्चुअली वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया है, वहाँ पे अगर ये तजुर्बा कामयाब हुआ तो फिर इसको बाकी भी आपने सारा लैंड अपना लीज आउट कर देना है? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे तो बहुत सारे जंगलात लगे हुए हैं, कुछ हमारी रेंज लैंड्स ऐसी थी और कुछ और लैंड्स ऐसी थी कि जिन पर दरख्त उगाना फिलहाल हमारे लिए महकमे के लिए पॉसिबल नहीं था, प्रायोरिटी में वो नीचे आ रही थी, तो इसलिए वहाँ पर भी एफॉरेस्टेशन करने के लिए इतनी इफेक्टिवली डिपार्टमेंट काम करती है मियाँ साहब, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन क्यों करना पड़ता है मामलात में? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट तो इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है और आपको जगाने के लिए झंझोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्यों हिलना पड़ता है? मेरे ख्याल में कि वो जिस चीज़ पे भी हमसे क्वेश्चन करते हैं हम उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हाउसिंग सोसाइटीज़ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया मरी के इलाके में और उसमें उन लैंड्स के बारे में उन्होंने पूछा जो कि शामलात में आती थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अपनी लैंड्स नहीं थी। सो वो उस पर मेरा ख्याल में कि इंशाल्लाह जल्द फैसला आ जाएगा, उससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मजबूत होगा। पीएम साहब का ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम क्या है जी? ये भी बेसिकली जंगलात को फ़रोग देने के लिए है और इसलिए है कि जो रकबा जात गवर्नमेंट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उनको नहीं कर पा रही है क्योंकि बहुत सारी फंडिंग दरकार होती है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट से भी उनको मदद दी जाए। बहुत ही उम्दा, लेकिन ऑपरेशंस के प्लेयर जोरे बाजू से रोकने में कामयाब इस मरतबा हुए। अदील चौधरी को फाउल हुआ, चीफ रेफरी की विसल और अब कम अज कम 10 फीट पीछे हटना होगा। इस वक्त सिटी 42 पर براہ راست میچ دکھایا جا رہا ہے۔ عاطف یاسین نے پاس دیا لیکن یہ گراؤنڈ سے چیف ریفری میاں رضوان پوری طرح سے اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے اس میچ میں بہترین کوریج کے لیے سٹی 42 کے کیمرامینز بھی موجود ہیں، اسی طرح سے میچ ریفریز اور ये अटैक था नदीम डॉन शुएब के साथ भागते हुए काशिफ के पास बॉल, काशिफ ने मूव बनाने के बजाय बॉल को ग्राउंड से बाहर कर दिया। आखिरी 3 मिनट का खेल बाकी, 1-0 की बढ़तरी हासिल सिटी सुल्तान्स को। खुरम कलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। खुरम साहब, कल जो क्वार्टर फाइनल्स थे दिलचस्प मैचेस हुए, तमाम मैचेस आपने भी देखे हमने भी देखे, बहुत ज़्यादा कल दिफाई और जो अटैकिंग पोजीशन है वो देखने को मिली। आज हम देख रहे हैं कि सिटी सुल्तान्स की जो टीम है वो दिफा में ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है, अटैक में कम नज़र आ रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए आज जो ऑपरेशंस की टीम है ऑब्वियसली वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और वन ऑफ द फेवरेट टीम्स है वो, तो उसका मुकाबला करना वैसे ही काफ़ी मुश्किल है और बड़ी ऑर्गेनाइज गेम नज़र आ रही है मुझे ऑपरेशंस की टीम की तरफ से। कोशिश तो कर रहे हैं हमारे सुल्तान, लेकिन उस तरह जिस तरह से उन्हें मुकाबला करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे।
اور اب میرے خیال کہ ایک یا ڈیڑھ منٹ کا میچ باقی رہ گیا اور اس کے بعد بہت مشکل ہے، دو منٹ کا وقت رہ گیا آخری، اور اس دو منٹ کے اندر مقابلے کو برابر کرنا ہے، پھر ایکسٹرا ٹائمز کی طرف جا سکیں گے۔ اور یہ یاور بھٹی جو تھرو ان بہت زبردست کرتے ہیں، پہلے پچھلے میچ میں بھی تھرو ان کے ذریعے انہوں نے پچھلے میچ دوسری ٹیم کو پریشر میں لیے رکھا تھا، اور یہ شعیب ڈار کی جو کک ہے باہر چلی گئی، بڑی زبردست اسپرٹ نظر آئی جی، جو آپ میرے سے پوچھ رہے تھے، دونوں میچ جو کوارٹر فائنلس کے اندر ایک بہت زبردست اسپرٹ تھی، تمام جو ٹیمیں تھیں وہ اپنے طور پہ انہوں نے بھرپور کوشش کی، پانچ پانچ میچ جیت کے آ چکی تھی پولز میں وہ اپنے، اور آبویسلی کمپیٹنٹ ٹیمس تھیں ساری، ان کے درمیان بڑا ٹف مقابلہ دیکھنے میں آیا، اور آج بھی آپریشنز اور اس سلطان کے درمیان جو ہے بڑا سخت مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دونوں ٹیمیں اچھے انداز میں گول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن بہرحال آخری مراحل میں مقابلہ داخل ہو چکا ہے۔ بالکل خرم صاحب، اب میچ آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، ایک صفر کی برتری حاصل سٹی سلطانز کے خلاف آپریشنز کو، اور بہت ہی دفاعی اور جو ایک اسٹرائک کی پوزیشن ہے وہ دونوں پوزیشنز پر بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا سٹی آپریشنز کی ٹیم نے۔ اب فری ہٹ، اور فری ہٹ کے بعد اب یہ روکنے میں کامیاب ہوئے، گراؤنڈ سے باہر گیا اس مرتبہ بال، لیکن جو وقت اس وقت ضائع ہوگا وہ اس کا نقصان سٹی سلطانز کو ہوگا۔ تھرو بال ہوا، یہ لے کر کے نکلے، کھیل ختم ہوا، اور ایک صفر کی برتری برقرار رہی دوسرے ہاف میں بھی، اور میدان مارنے میں کامیاب پہلی ٹیم ہے آپریشنز کی جس نے فائنل تک رسائی حاصل کی ہے۔ بہت ہی خوبصورت کھیل کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے فتح حاصل نہ کر پائے سٹی سلطانز کے پلیئر۔ بہت ہی خوبصورت میچ، لیکن رزلٹ کو کنورٹ نہیں کر پائے اس مرتبہ۔ اس کام کے لیے جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیوچر جنریشنز کیا سروائیول محیط ہے، مطلب ایک کلو میٹر سڑک یا کوئی ایک کلو میٹر یہ پٹری کتنے کی ڈلی ہے سر اورنج لائن کی؟ ہاں نہیں، یہ ایکچولی یہ تو وہ ہے جو نارمل تنخواہوں وغیرہ کے لیے دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے پیسے ایسے ہیں کہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ملتے ہیں، وہ فارسٹ کو بھی ملتے ہیں، وائلڈ لائف کو ملتے ہیں، فشریز کو بھی ملتے ہیں، سو وہ اگر اس کو پورے کو ملایا جائے تو وہ بہت خطیر رقم ہے۔ ہماری فارسٹ پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے سر؟ جی بالکل، ہماری کب سے بنی ہوئی ہے؟ ہماری فارسٹ پالیسی جو ہے وہ پچھلے سال ہی جو ہے وہ اس کو ڈرافٹ کیا گیا تھا، اور ابھی اس میں کچھ اور مزید مثبت چینجز لائے جا رہے ہیں۔ ڈرافٹ سٹیج پہ چل رہی ہے کہ نافذ عمل ہو چکی ہے؟ ابھی نافذ عمل نہیں ہوئی، سو ایز آف ٹوڈے ہماری کوئی فارسٹ پالیسی نہیں ہے جی۔ پنجاب حکومت نے اس میں کچھ چینجز کے دیے، کیونکہ یہ اس میں کیبنٹ نے منظور اس کو کرنا ہوتا ہے، تو اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اور یہ فائنل سٹیجز میں ہے اس کا ڈرافٹ۔ مطلب آج کی ڈیٹ میں تو نہیں ہے، ابھی آ جائے گی، بڑی جلدی آ جائے گی۔ سر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سر؟ نہیں، کسی کا انتظار نہیں کر رہے، ایکچولی پالیسیز کا جو پروسیس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے تمام سٹیک ہولڈر سے آپ نے مشورہ کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ نے جو ہے فیوچر اپنا جو آپ کی فنڈنگ پروگرامز ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنی جو آپ کی جو ہے پرائیورٹیز اس کو دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ آپ نے ایک دو سال کے لیے تو بنانی نہیں ہوتی، یہ اس پالیسی نے لمبے عرصے کے لیے چلتا ہے۔ ایوالو کب ہو گیا تھا سبجیکٹ سر؟ کس سے ڈیولپ؟ فارسٹ جو ہے، فارسٹری جو ہے، اب یہ ڈیولوشن کے بعد پروونس میں آیا کہ اٹ ہیز آلویز بین اے پروونشل سبجیکٹ؟ پہلے سے ہمیشہ سے ہی پروونشل سبجیکٹ تھا، یہ پہلے سے اس کے باوجود فارسٹ پالیسی نہیں تھی جی۔ فارسٹ پالیسی جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ وہ ڈرافٹ سٹیج پہ ہے، اور ابھی بڑی جلد یہ جو ہے ٹمبر مافیا کو ختم کر پائے ہیں سر؟ ایکچولی پنجاب میں ٹمبر مافیا نام کی چیز اتنا ایگزسٹ نہیں کرتی، میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پنجاب میں 1994 سے درختوں کو کاٹنے پر پابندی لگی ہوئی ہے، صرف وہی درخت جو ہے نیلام کیے جاتے ہیں جو کہ سوکھ جائیں یا کسی اور موسمی آفت کی وجہ سے گر جائیں یا کوئی بیماری کی وجہ سے گر جائیں۔
یا کچھ درخت ایسے ہیں کہ جن کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی وجہ سے کاٹنا مجبوری بن جاتی ہے. اس کے علاوہ گرین فیلنگ پہ پابندی ہے ٹوٹل. تو اس طرح کے مافیاز یہاں ایگزسٹ نہیں کرتے جس طرح کے چند دوسرے صوبوں میں ہیں. یہ چھوٹے لیول پہ یہاں پر جو ہے نیلامیاں ہوتی ہیں اور وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے ان درختوں کو کاٹا جا سکتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. وہ اب کوئی سڑک اگر چوڑی کرنی ہو تو اس کے لیے کاٹنے پڑتے ہیں درخت. لیکن ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی وائلیشنز بھی نہیں ہیں یہ چیزیں؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے درخت کاٹے جاتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ درخت لگائے بھی جاتے ہیں اور یہ انشور کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ درخت لگیں اور اس کا افیکٹ جو ہے اس کو میڈیکیٹ کیا. بٹ سیکٹر صاحب دیکھیں آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ بہت شگل شجر کاری آپ نے کی, بہت سے درخت لگا دیے, اس کا رزلٹ محسوس کیوں نہیں ہو رہا پبلک کو؟ ڈیفینیٹلی جس تیزی سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو اور تیز کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ قطر نہیں کہہ رہا کہ سب اچھا, سب اچھا ہو بھی نہیں سکتا, اٹ از ناٹ پاسبل. اور لیکن یہ ہے کہ ہم اسٹرائیو کر رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری جو ہے یہ آپ دیکھیے گا کہ فیوچر میں جو پروگرامز ہم لا رہے ہیں, کیونکہ کوشش انسان ٹرانسلیٹ کرتا ہے انٹو پروگرامز اینڈ پالیسیز, اور وہ آپ دیکھیں. ہمیشہ سے آپ سے پہلے لوگ جو اس سیٹ پہ رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے رہے ہیں, جو ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے, لیکن عام آدمی تو اب سوال اٹھانا شروع ہو گیا, اور جائز بھی ہے کہ 70-75 اتنے سالوں کے بعد آج بھی ہماری ہوا دیکھیے کہ سانس نہیں ہم لے سکتے. میرے خیال میں کہ یہ محکمہ جو ہے ہر وقت اپنا رول ادا کرتا رہتا ہے. اس میں جو پالیسی شفٹ جو آئی ہے اب, وہ یہ شفٹ آئی ہے کہ اب ہم اربن ٹری کور کو زیادہ بڑھانے کی کوشش میں ہیں, تاکہ شہروں میں جو پرابلم کریٹ ہو گیا ہوا ہے پالیوشن کا, اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جا سکے. سو یہ ایک نئی سوچ ہے. اچھا, وائلڈ لائف کو بھی آپ ہی لک آفٹر کرتے ہیں, یہ پرائیویٹ ریزروز کتنے ہیں اس وقت صوبے میں, یا ٹوٹل گیم ریزروز کتنے آپ کے ہیں؟ ہاں جی, گیم ریزروز جو ہیں اس وقت صوبے میں میرے خیال میں کوئی 5 کے قریب ہیں. خبریں بھی جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب پیج سبسکرائب کر سکتے ہیں, باٹم رائٹ پر سبسکرائب کا بٹن کلک کیجیے. اینڈ اسٹے ٹیون ٹو City42. یہ کوئی کھیلنے کی جگہ ہے, کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ سوری انکل, غلطی ہو گئی, مگر انکل آپ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ ہے کیا پھر انکل, آپ نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا؟ سوری بیٹا, اب ٹھیک ہے؟ زندگی نعمت ہے, گاڑی چلاتے ہوئے فون استعمال نہ کریں, سفر کی منزل موت نہیں. بسنت آسمان پر رنگ بھرنے کا تہوار جس نے دی لاہور کو نئی پہچان. چند لوگوں کی غیر ذمہ داری تہوار کو نہیں روک سکتی, شر پسندوں کو پکڑو, بسنت کو بحال کرو. محفوظ بسنت, ہمارا حق. شادیوں پر ہوائی فائرنگ, کیا شادیاں روک دی گئیں؟ گاڑیوں کی تیز رفتاری سے حادثات, کیا گاڑیوں پر پابندی لگ گئی؟ پھر چند دھاتی ڈور بنانے والوں کی وجہ سے بسنت پر پابندی کیوں؟ دھاتی ڈور بنانے والوں کو پکڑو, بسنت کو آزاد کرو. محفوظ بسنت, ہمارا حق. حکومت دھاتی ڈور بنانے والوں کے آگے بے بس, کیمیکل ڈور کو نہیں روکا, بسنت پر پابندی لگا دی. لاہوریوں کے صدیوں پرانے تہوار کو منانے پر پابندی, حکومتی ادارے ذمہ داری نبھائیں, لاہوریوں کو محفوظ بسنت واپس کریں. محفوظ بسنت, ہمارا حق. بسنت آسمان پر رنگ بھرنے کا تہوار جس نے دی لاہور کو نئی پہچان.
چند لوگوں کی غیر ذمہ داری تہوار کو نہیں روک سکتی. شر پسندوں کو پکڑو, بسنت کو بحال کرو. محفوظ بسنت, ہمارا حق. شادیوں پر ہوائی فائرنگ, کیا شادیاں روک دی گئیں؟ گاڑیوں کی تیز رفتاری سے حادثات, کیا گاڑیوں پر پابندی لگ گئی؟ پھر چند دھاتی ڈور بنانے والوں کی وجہ سے بسنت پر پابندی کیوں؟ دھاتی ڈور بنانے والوں کو پکڑو, بسنت کو آزاد کرو. محفوظ بسنت, ہمارا حق. حکومت دھاتی ڈور بنانے والوں کے آگے بے بس. کیمیکل ڈور کو نہیں روکا, بسنت پر پابندی لگا دی. لاہوریوں کے صدیوں پرانے تہوار کو منانے پر پابندی. حکومتی ادارے ذمہ داری نبھائیں, لاہوریوں کو محفوظ بسنت واپس کریں. محفوظ بسنت, ہمارا حق. حادثہ صرف ایک لفظ نہیں, یہ ہوتا ہے آغا دکھوں سے بنی ایک زنجیر کا. یہ حادثہ خود بخود نہیں ہوتا اور نہ ہی اچانک ہوتا ہے. ہر حادثے سے پہلے ہوتی ہے غلطی. کیسے بچا جا سکتا ہے حادثے سے؟ کیوں ہوتے ہیں ٹریفک کے قوانین؟ کیا کہتے ہیں عوام سے ٹریفک کے افسران؟ آپ کی زندگی ہے انمول, ہمارا آج محفوظ لاہور. دیکھتے رہیے حادثے سے پہلے, صرف City42 پر. بول رہا ہے سارا لاہور, حل ہو رہے ہیں لاہوریوں کے مسائل. آپ لاہور میں کہیں بھی رہتے ہیں, آپ کا کوئی بھی جائز مسئلہ ہے تو بولو لاہور. ہمارے ساتھ ہوتی ہیں شہر کی با اختیار شخصیات جن کے پاس ہوں گے آپ کے مسائل کے حل. تو اپنا فون اٹھائیں اور کہہ دیں اپنی بات, اپنے حق کے خاطر, سب کے حق کی خاطر. بولو لاہور, شہر کی سب باتیں صرف City42 پر. دیکھیے پروگرام بولو لاہور پیر اور منگل کی شام 6:05 پہ صرف City42 پر. City42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں. ہر واقعہ, ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم, مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا. چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی, دفتری معاملات میں گڑبڑ, کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتا دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو City42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0317-542-4242. اور اس میں پرائیویٹ بھی شامل ہیں؟ پرائیویٹ نہیں, یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے سرکاری گیم ریزروز ہیں. اور اس میں کچھ پرائیویٹ لوگ جو ہے وہ بھی اب آنا شروع ہو گئے ہیں. بٹ ان کو آپ ریگولیٹ کر رہے ہیں؟ آپ کسی رجسٹر کرواتے ہیں, کوئی مانیٹر کرتے ہیں آپ؟ جی ڈیفینیٹلی, وہ ان کو پرائیویٹ گیم ریزروز جو ہیں ان کو جو ہے ہمارا محکمہ ان کی اجازت بھی دیتا ہے اور پھر اس کی مانیٹرنگ بھی کرتا ہے. تو اپنے بریڈنگ فارمز بھی آپریٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کے؟ جی ہمارے بریڈنگ فارمز بھی ہیں اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں. تو آپ فیسلیٹیٹ کیا کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو, جو لوگ آگے آنا چاہتے ہیں, ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بیسیکلی پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے ہم ٹیکنیکل نو ہاؤ مہیا کرتے ہیں, اس کے علاوہ ان کو جو ہے ہم پروٹیکشن مہیا کرتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہمارے لاز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ بھی ہم انشور کرتے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ کوئی اور پوچرز نہ آ جائیں. تو ہم ان کے ساتھ مل کے ہینڈ ان ہینڈ کام. لیکن ساری دنیا کے اندر سر یہ ایک تو بڑا, اسپیشلی افریقن کنٹریز کے اندر تو ٹورزم کا ایک بہت بڑا سورس آف ریونیو ہے یہ چیز, گیم ریزروز جو ہوتے ہیں, یہاں پہ کیوں نہیں پروموٹ کیا جاتا؟ یہاں پہ بھی بہت ٹرافی ہنٹنگ کا جو ٹرینڈ ہے اب ہو گیا ہے, اسپیشلی کمیونٹی کے ساتھ مل کے جو ہمارا پروگرام ہے وہ بہت کامیاب جا رہا ہے. اور اس میں کیا پروگرام آپ کا ہے جی کمیونٹی کے ساتھ, کیا کر رہے ہیں؟ جی کمیونٹی کے ساتھ مل کے ہم جو ہے ٹرافی ہنٹنگ کرواتے ہیں,
और उसके लिए होता यह है कि उसका जो ज़्यादातर जो ट्रॉफी से जो पैसा आता है वो कम्युनिटी को जाता है। सो इस तरह वो कंजर्वेशन में फिर हमारी बहुत मदद करते हैं, और ये प्रोग्राम सारी दुनिया में भी होता है और हमारे यहाँ भी ये बहुत पॉपुलर है। लेकिन दुनिया से लोग आते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हर साल इसमें आते हैं। अभी भी जो है 2 मार्च से हमने ऐलान किया हुआ है, और ये बहावलपुर साइड पे वहाँ पे ये हिरन का जो शिकार है वो अलाउ कर रहे हैं ट्रॉफी हंटिंग के लिए। सबसे एनिमल एक्टिविस्ट जो हैं वो तो कहते हैं कि हंटिंग बैन हो जानी चाहिए। एक्चुअली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ट्रॉफी हंटिंग जो है उसमें सिर्फ उन एनिमल्स को डाला जाता है जो कि अपनी तबई उम्र को पहुँचने के करीब होते हैं, और उन्होंने बहरहाल फिर ट्रॉफी हंटिंग के अलावा हंटिंग अलाउ नहीं करते आप जी? उसके अलावा जो है हंटिंग अलाउ होती है, लेकिन वो उन जानवरों की होती है जो खासी तादाद में मौजूद हैं। इसमें कुछ बर्ड शूटिंग की इजाज़त दी जाती है, उसके अलावा हम अलाउ नहीं करते। बट कोई आप चले आप अलाउ नहीं करते, बट इलीगल हंटिंग होती है सूबे में कि नहीं होती? डेफिनेटली इलीगल हंटिंग ज़रूर होती है। उसके लिए किसने पकड़ना है इनको जी? उसको हमारा महकमा वाइल्ड लाइफ पकड़ता है, और उसमें आपको ये जानकर कई लोग तो वैसे कहते हैं कि वो करवाता भी महकमा वाइल्ड लाइफ ही है, आप तो कह रहे हैं कि पकड़ता है वो। कई लोगों से बात करें तो वो कहते हैं जी कराते भी यही हैं। हाँ वो बहरहाल हर किसी की अपनी राय है, लेकिन हमारा महकमा इसको कंट्रोल करने में बहुत मुस्बत किरदार अदा कर रहा है, और आपको ये जानकर अफसोस भी होगा कि हमारे कई फॉरेस्ट गार्ड इसमें शहीद भी हो चुके हैं, क्योंकि जो शिकारी हैं जो इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो उन्होंने बाज़ूकात हमारे गार्ड्स को जान से भी मार दिया है अपने हथियार। बट ख़त्म क्यों नहीं होती ये चीज़ सर? क्या पेनल्टीज़ जो हैं कानून में बहुत नरमी है कि डेटरेंस इतनी नहीं है इस चीज़ की, क्या पकड़ते भी हैं जुर्माने भी करते हैं, ख़त्म फिर भी नहीं होती? एक्चुअली ये अगर मैं कहूँ कि जी हम ख़त्म कर देंगे तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्होंने साथ साथ चलना है, इसीलिए हमारा महकमा है। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये चीज़ होएगी? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, हमारी कांस्टेंट एफर्ट रहेगी कि हम इसको रोकें। लोगों की कांस्टेंट, लोगों की नहीं बल्कि कुछ उन इलीगल हंटर्स की कांस्टेंट ये कोशिश होगी कि वो हंटिंग करें। लेकिन कानून क्या गुंजाइश देते हैं आपको कि किस तरह आप इसको रोकेंगे? कानून तो हमें पूरी गुंजाइश देता है और हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। मैं जिस बात की तरफ आ रहा था, मैं ये कह रहा था कि हमारी तो पूरी कोशिश है, इसके साथ साथ अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है, और इसमें मीडिया का रोल आता है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा किरदार अदा कर सकता है जिसके तहत वो लोगों के जहनों में डाल सकता है कि इलीगल हंटिंग करना ये अच्छी बात नहीं है। और इसी तरह जब हमारे बच्चे एजुकेट होंगे, जब बाकी लोग एजुकेट होंगे, तो इस पर काबू पूरी तरह कुछ सजाएं भी तो दिलवाएं ना लोगों को, ताकि लोग रुकें इस काम से। बिल्कुल, खौफ और डर भी तो इस बात का। इसमें हमारा एक्ट है और उसके तहत जो है कोर्ट्स में जाके तो उनको सजाएं भी जाती हैं। कितने जुर्माने डाल देते हैं आप सर? ये तो जो है हर साल सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग पकड़े जाते हैं। अमाउंट्स इतने हैं कि किसी को उसकी एक्चुअली पिंच करे और तकलीफ हो? जी बिल्कुल, अब पहले तो अमाउंट्स बहुत कम हुआ करते थे, अब इनकी जो सजाएं हैं वो कानून में अमेंडमेंट्स करके तो उनको बहुत बढ़ाया जा चुका है। इसी तरह जुर्माने के अलावा कैद की सजाएं भी बहुत बढ़ाई जा चुकी हैं, जो कि काफ़ी डेटरेंस है। कैद करवाई भी है लोगों को, कानून में तो बढ़ा दिया जी। बिल्कुल, आपने रोज़ देखा होगा, कई दफ़ा मैं समझता हूँ आपने देखा होगा कि अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हमने कई दफ़ा बास पकड़े हैं जो कि लोग लेके जा रहे होते हैं अरब ममालिक की तरफ। पिछले महीने ही हमने 5 बाज वहां से पकड़े थे और उनको रिलीज किया। आप लोग पकड़ते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पकड़ती हैं कि आपके ऑफिशियल्स होते हैं? नहीं, ये हमारे ऑफिशियल्स ने जो है ये एयरपोर्ट से जो है ये पकड़े। सेक्शन से तेलोर के शिकार की इजाजत है जी? तेलोर का जो शिकार है उसकी बिल्कुल इजाजत है, और वो कुछ महीनों के लिए उसकी इजाजत दी जाती है सर्दियों के महीने। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी हिस्सा है ये चीज? अब फॉरेन पॉलिसी से तो मुझे कोई इसका इल्म नहीं है, लेकिन इसका बहरहाल ताल्लुक ये है कि फॉरेन कंट्रीज से, हमारे दोस्त ममालिक से, अरब ममालिक से बहुत सारे मेहमान आते हैं और फिर उनको अलाउ किया जाता है। बट ये कोई एक इंडेंजर्ड स्पीशीज में नहीं आती? ये इंडेंजर्ड स्पीशीज में इस नहीं आती इस तरह से कि इसकी कंजर्वेशन पे भी बहुत काम हो रहा है, और हबारा फाउंडेशन है और वो इस पे बहुत काम तो कर रही है। पाकिस्तानियों को भी इजाजत है इसका शिकार करने की? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी भी उन दिनों में कर सकते हैं इसका शिकार। तो इनकी डिटेल्स क्यों इतना ये कंट्रोवर्शियल इशू क्यों हमेशा बन जाता है ये चीज? ये असल में बड़ी देर से ये सिलसिला हो रहा है, और लोगों को पहले तो इतना इल्म नहीं था, यही पता था कि जी बाहर से लोग आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस पे अवेयरनेस आ रही है, उन ये जो फाउंडेशंस जो बनी है, हबारा फाउंडेशन बनी है, इस तरह बाकी जो इसमें जो लोग इंटरनेशनल एजेंसीज काम कर रही हैं, हमारा महकमा उनके साथ मिलकर काम करता है,
और अब इसकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई है। सो जो पाकिस्तानी भी इसका शिकार करना चाहते हैं उनको इजाजत है उस पीरियड के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं कि जी हमें परमिशन नहीं मिलती, जो बाकी आपने दोस्त ममालिक का जिक्र किया वहां से लोग आके शिकार कर लेते हैं। जी डेफिनेटली, इसका शिकार करने के लिए वो एरियाज मुख्तस किए जाते हैं और उन एरियाज में ही शिकार की इजाज़त दी जाती है। तो उन एरियाज में जाके तो वो लोग जो है फॉरेन विजिटर्स आते हैं जो उनको स्पेशल नहीं, बट लोकल्स को नहीं आप देना चाहते हैं। लोकल्स को ऐसी बात नहीं कि हम लोकल्स को नहीं देना चाहते हैं। तो अगर कोई आएंगे तो आप उनको देंगे? जी बिल्कुल, हम आएंगे तो हम उनको कंसिडर करेंगे, लॉ के मुताबिक उनको जरूर देंगे। लॉ में गुंजाइश है कि उनको भी दिया जाए? जी दिया, तफीक तो इस बात पर नहीं होगी। नहीं नहीं बिल्कुल भी ऐसी बात। आपको इसका डेटा आपने कलेक्ट किया है कि सूबे में कितने जानवर हैं, किस किस्म के हैं, किसकी हमें ज़रूरत है, इनकी भी कोई मैपिंग हुई है कोई? जी इसकी जो है इतनी डिटेल्ड मैपिंग नहीं हुई। वाइल्ड लाइफ पे इतना काम अभी नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। इसमें एक्चुअली बहुत सारी स्पीशीज़ है और उनके ऊपर जो है अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमें बेसलाइन डेटा बना और इस पर हम प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं कि हमारी बेस तो अभी करने जा रहे हैं, अभी तक नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। तो आपने एक मॉडल सफारी पार्क भी बनाना था, बन गया? जी जी, मॉडल सफारी पार्क का ये है कि एक तो लाहौर जो रायवंड रोड पर है उस सफारी पार्क में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की जा रही हैं आजकल। इसके अलावा एक नया सफारी पार्क बनाया जा रहा है, करोल फॉरेस्ट एक है जो कि लाहौर रिंग रोड के ऊपर वाक़ है और उसमें भी लॉयन सफारी का एहतमाम किया जा रहा है। इसी तरह छांगा मांगा में भी लॉयन सफारी ऐड की जा रही है और हमारा ये प्रोग्राम है कि आहिस्ता आगे चल के फिर बाकी शहरों में भी हम इसको लेकर जाएंगे। तो ये कब बन जाएंगे वैसे? ये अगले माली साल के दौरान ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, ये 2 साल का अरसे में ये कंप्लीट हो जाएगा। सर, ये फिशिंग को जी आप एज ए हॉबी देखते हैं कि एज ए बिजनेस देखती है डिपार्टमेंट? ये फिशिंग को आजकल जो है ना इसमें लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही वायबल कमर्शियल जो है ये बिजनेस बन गया है और इसको डिपार्टमेंट लोगों के साथ मिलकर बहुत फ़र्क दे रहा है। एक नई किस्म की फिश है तिलापिया जो कि थाईलैंड से लाई गई है और उसकी यहाँ पर बहुत मांग भी है। ये प्राइस में भी कम है, सस्ती है और इसकी ब्रीडिंग यहाँ करवा रहे हैं क्या? इसका करने जा रहे हैं? उसकी ब्रीडिंग हम यहाँ पे करवा रहे हैं। हमारी बहुत सारी हैचरीज हैं जो इस काम पे लगी हुई हैं और इसको लोगों ने बड़े ही खुशदिली से कबूल किया है क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। इसी तरह जो हमारी अपनी यहाँ की इंडिजिनस फिश हैं जैसे रहू है, मोरी है, थैला है, सो उन सारों की भी ब्रीडिंग की जाती है और सैकड़ों हजारों एकड़ पर फिश फार्म्स बन रहे हैं। लेकिन इस वक्त कितने फिश फार्म्स हैं जिस सूबे में? इस वक्त हमारे पास 3 क्लस्टर्स में हैं ये बेसिकली। एक क्लस्टर जो है मुजफ्फरगढ़ में है, एक क्लस्टर सरगोधा में है और एक क्लस्टर जो है वो ये लाहौर और इसके इतराफ में है। और इसके अलावा जो सॉल्ट वाटर फिश है जो ये आपका पोठोहार का इलाका है इसमें स्मॉल डैम्स हैं हमारे पास 350, तो उनमें भी अफजाइश की जा रही है बहुत ज़्यादा। बट ये गवर्नमेंट लेवल पे हो रही है कि कोई प्राइवेट सेक्टर को भी आप इनकरेज कर रहे हैं कि आगे आए? प्राइवेट सेक्टर को हम बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं। क्या एक्सटेंशन फैसिलिटीज़ क्या आप देते हैं उनको अगर कोई बनाना चाहता है? उसमें उनकी हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग की जाती है। अभी जुलाई से हमारी जो है मोबाइल वैन्स जाएंगी और वो मौके पर जाकर तो लोगों को उस पर टेक्निकल असिस्टेंस देंगी, प्लस 80% जो फार्म बनाने का खर्चा है वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी और 20% जो है वो फार्मर। बट ये आपने इनिशिएट कर दी ये स्कीम? ये इनिशिएटेड। बट ये लोगों को बताया क्यों नहीं जा रहा है इस चीज़ के बारे में कि ये ऑप्शन है? बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और जो है फार्म्स जो इतनी तादाद में बन रहे हैं उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं इसमें से फिश यहाँ से कि नहीं? अभी सूबे से एक्सपोर्ट नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि इसके लिए कोल्ड चेन चाहिए, इसके लिए आपको प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ चाहिए जो कि अभी तक हमारे सूबे में नहीं आई हैं और अगले चंद सालों में आएंगी। लेकिन अगर हम अपनी लोकल डिमांड ही पूरी कर लें तो वो ही बहुत बड़ी बात। हमारी कंजम्पशन तो वैसे ही वन ऑफ द लोएस्ट है इन द रीजन, जो हम फिश की कंजम्पशन है हमारी। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमारी जो कंजम्पशन ऑफ फिश है वो 2 kg पर पर्सन पर ईयर है। और वो कितनी होनी चाहिए? जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पर 20 kg तक भी है। तो हम अपने हर आइडियल गोल से इतना दूर क्यों हैं सर? एक्चुअली इसमें थोड़ा सा कल्चरल भी जो है मैं कहूँगा कि मसला है और वो ये है कि यहाँ पर मशहूर है कि जिस महीने में आर ना आए
بچوں کو بڑا کرتے ہیں یہ سکھا کے. جی بالکل, وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ سٹنٹنگ کو فائٹ آؤٹ کرنے کے لیے یہ ایک آلٹرنیٹ سورس آف پروٹین ہے. جس طرح کہ برائلر مرغی آئی اور اس نے بہت ساری پروٹین مہیا کی, اسی طرح ایزیلی اویلیبل بھی تو کریں نا اس کو. جی بالکل, یہ آپ دیکھیے گا کہ آنے والے چند سالوں میں, میں سمجھتا ہوں اگلے 3-1 سالوں کے اندر اندر فش جو ہے اتنی سستی اور اتنی تعداد میں مہیا ہو جائے گی کہ لوگ اس کو انتظار کریں. اس چیز کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سیکٹر میں بھی تو صرف ریسرچ اور نالج کی کمی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح بنانے ہیں, کیا کرنے ہیں. آپ لوگ بھی کوئی ریسرچ کروا رہے ہیں اس پہ؟ جی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک تو انتظار کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے, ابھی بھی اویلیبل ہے فش, اور یہ ہر سال بڑھتی جائے گی اس کی تعداد. جہاں تک ریسرچ کا تعلق ہے تو ہماری ریسرچ لیبارٹریز اس پہ دن رات کام کر رہی ہیں. چشمہ بیراج پہ ہمارا ایک پوری ریسرچ فیسلٹی ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے. اس پہ پیسے بھی تو دینا سر, ایڈیکویٹ سر. جی آپ, آئی وش کہ آپ چل کے اس فیسلٹی کو دیکھیں, وہاں پہ جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور فش کلچر پہ جس طرح کام ہو رہا ہے. ایک میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ یہاں سے موٹر وے پہ جب جاتے ہیں تو ایک دہرابی لیک ہے, بالکل موٹر وے کے ساتھ ہی ہے, اور وہاں پر ہم نے ایک کیج کلچر کا پروجیکٹ چلایا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ کیجز میں فش کی جو ہے افزائش کی جا رہی ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ بہت چھوٹی سی جگہ پر فش جو ہے اس کو آپ کنسنٹریٹڈ فیڈنگ کر کے تو آپ 6 ماہ کے اندر. ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, لاسٹ فیو کوسچن ویری بریفلی. بہت سے دوست آپ کے جو یہاں پہ رہے ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ کو سمجھتے ہیں یار کہ او ایس ٹی پوسٹنگ ہو گئی ہے, آپ بھی کوئی سمجھتے ہیں ایسے؟ میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں, میں اس کو بہت ہی اچھا ڈپارٹمنٹ سمجھتا ہوں, بہت انٹرسٹنگ ڈپارٹمنٹ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں آ کے مجھے کام کرنے کے بہت مواقع ہیں. اور اللہ تعالیٰ پہلے کام کم ہوتا رہا ہے تو اس میں گنجائش بہت ہی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کام کم ہوتا رہا. بلڈنگ کے لیے کچھ کر رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی اتنی ایڈوانسڈ اور سائنٹیفک چیزوں کے طریقے سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں, آپ کی ڈپارٹمنٹ میں اپنی کیپیسٹی کیسے بڑھائی ہے ٹریننگ اسٹاف کی ان کی؟ ہماری بہت ساری ٹریننگس تو یہاں پہ ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں. ہمارا 2 اسکولس چل رہے ہیں فارسٹری کے, ایک گھوڑا گدی میں مریب کے پاس اور ایک بہاولپور میں. سو ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے فورن کورسز آتے ہیں اور ہمارے آفیسر. گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے سر؟ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی پرائیورٹی. چیف منسٹر صاحب نے کب آخری دفعہ آپ کو بلایا تھا اور 1-on-1 آپ سے میٹنگ کی تھی کہ بھائی بتائیں اس ڈپارٹمنٹ کے ایشوز کیا ہیں, میں اس کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہماری ریگولر ملاقات جاری رہتی ہے, اور اس کے علاوہ سمریز کے تھرو ہماری جو ہے ایک کنٹینیوس جتنے خط و خطابت سے آپ ان سے بات کرتے ہیں. خطابت تو ایک ریگولر طریقہ ہے, اس کے علاوہ ہماری جو ڈائریکٹ ملاقات ہے وہ بھی گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہے. ان کی پرائیورٹی کے اوپر ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی ان کی بہت زیادہ پرائیورٹی. آپ آج وعدہ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ بالکل بہتری کی. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.